brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. सपा को खत लिखा, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ये लोग हमारे उलमाए किराम की तोहीन करेंगे, हम अपने उलमाए किराम की तोहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खास तौर पर अपील की गई कि मुसलमान इस बार धर्म के आधार पर वोट ना करें। इसलिए वोट ना करें कि कैंडिडेट मुसलमान है, और जितने मुस्लिम बहुलीय क्षेत्र हैं, फिर वहां कोई इस तरह का मामला पेश आता है, फिर वहां उन लोगों को हिकारत की नजर से देखा जाता है। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल हमारे साथ है। अभी कुछ देर पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें गठबंधन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आखिर क्या वजह है ये जो गठबंधन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या वजह थी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्यों? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार मुसलमान इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन से मुसलमान बहुत नाराज है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन लोगों के द्वारा मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है। भाई, इंडिया गठबंधन में किसी बड़े रहबर को, बड़े रहनुमा को नहीं रखा गया। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को नहीं लिया गया, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं लिया गया। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने 3-4 रोज पहले राहुल गांधी को खत लिखा, उसका कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना अरशद साहब ने सपा को खत लिखा, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ये लोग हमारे उलमाए किराम की तोहीन करेंगे, हम अपने उलमाए किराम की तोहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल किसी हाल में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी को लेकर आज जमीयत हिमायतुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंडिया गठबंधन के विरोध का ऐलान किया। मौलाना मेराज कासमी साहब, मौलाना अदनान मिफ्ताही साहब, मौलाना कलीम साहब, तमाम लोग यहाँ जमा हुए, और ये मैसेज पूरे देश में जाएगा। अधिकतर देखा जाता है कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो मुस्लिम समुदाय हमेशा उसी तरफ वोटिंग करने के लिए जाता है, तो उसी के लिए खास तौर पर अपील की गई कि मुसलमान इस बार धर्म के आधार पर वोट ना करें। इसलिए वोट ना करें कि कैंडिडेट मुसलमान है, इसलिए वोट ना करें कि कैंडिडेट का नाम जो है अबरार है, इमरान है, अहमद है, अब्दुल्ला है। क्योंकि हम लोग काम करने के लिए, विकास करने के लिए अपना एक सियासी रहबर चुन रहे हैं। हम मुसल्ले इमामत के लिए इमाम नहीं चुन रहे हैं कि वो मुसलमान ही होना जरूरी है, वो हमारी बिरादरी का ही होना जरूरी है। वो किसी भी बिरादरी का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, हिंदू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर गठबंधन को वोट नहीं करेंगे तो किसको? किसी को भी कर सकते हैं। एक तरफा किसी को वोट ना करें, उसका बहुत बड़ा नुकसान इस देश में होता है। अब मान लीजिए आप सहारनपुर में खड़े हैं, सहारनपुर का मुसलमान अगर बीजेपी के खिलाफ एक तरफा वोट करता है और उसके बावजूद भी कामयाबी नहीं मिलती, बीजेपी फिर भी चुनाव जीत जाती है, उसके बाद अगर ये लोग बीजेपी के कैंडिडेट के पास जाते हैं काम के लिए, तो क्या तवक्को करेंगे ये लोग काम की? और जितने मुस्लिम बहुलीय क्षेत्र हैं, फिर वहां कोई इस तरह का मामला पेश आता है, फिर वहां उन लोगों को हिकारत की नजर से देखा जाता है। भाई, आपको क्या एक कैंडिडेट मुसलमान है इसलिए उसको एक तरफा वोट कर देते हो? आप क्यों ऐसा करते हो? धर्म के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए। भी आप बात कर रहे थे ओवैसी साहब की, ओवैसी को लेकर क्या कह रहे थे कि जो आप गठबंधन में शामिल नहीं किया गया? देखिए, ओवैसी साहब की बहुत सारी बातों से हमें इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इतना भी इख्तिलाफ नहीं है कि दो दो चार चार सीट वालों को लोग राज्यसभा दे रहे हैं, लोकसभा दे रहे हैं, और आप ओवैसी साहब को या मौलाना बदरुद्दीन अजमल को इतना दरकिनार करोगे कि वो आपके पीछे पीछे फिरते रहेंगे, आप उनको जवाब देना भी अपनी मौत समझेंगे, ये कैसे बर्दाश्त करेगा मुसलमान? भाई, जो लोग इस बात का नारा देते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, कहां गए वो लोग? क्या मुसलमानों की इतनी भी हिस्सेदारी नहीं इस देश के अंदर कि वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसे लीडर को, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को अपने गठबंधन में लेकर दो दो चार चार सीट दे दे? इतनी भी हिस्सेदारी नहीं, इतनी भी हिस्सेदारी नहीं कि किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दे, किसी प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दे? क्या सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री तक मुसलमानों को महदूद रखा जाएगा? तो कारी साहब, आपको आरएसएस का सदस्य ही बताया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, किसके सामने ली मैंने आरएसएस की सदस्यता? और मैं बताऊं आपको, फर्क सिर्फ ये है, इस्लाम के अंदर मुनाफिक से दूर दूर रहने के लिए कहा गया है, दुश्मन से नहीं।
अगर ये लोग आरएसएस को अपनी दुश्मन समझते हैं तो दुश्मन के पास जाने के लिए गुंजाइश है, लेकिन मुनाफिक के पास जाने की गुंजाइश नहीं है। और मुनाफिक की अगर आप लिस्ट उठाकर देखेंगे, मुनाफिक की सबसे बड़ी सरपरस्त पार्टी अगर कोई है वो कांग्रेस है, सबसे बड़ी जमात कांग्रेस है। तो हमारे साथ और भी हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। तो आपका परिचय। मैं मौलाना मोहम्मद मेराज कासमी, सदर जमीयत हिमायतुल इस्लाम उत्तर प्रदेश। आज आप सहारनपुर पहुंचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुख्य कारण क्या रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, मुख्य कारण हमारा ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो कारी अबरार जमाल साहब जो हमारे जमीयत हिमायतुल इस्लाम के कौमी सदर हैं, उन्होंने हम लोगों को मदऊ किया, हम आए। उन्होंने कहा है कि यहाँ गठबंधन के लिए वोट करने को मना किया कि गठबंधन को वोट ना करें। हम बिल्कुल नहीं करेंगे और अपील करते हैं मुसलमानों से गठबंधन को वोट ना करें, बल्कि उसको वोट करें जो आपका विकास कर सके, आपकी तरक्की की बात कर सके, आपकी अच्छाई की बात कर सके, वो चाहे कोई भी हो। मजहब के नाम पर वोट ना करें, हिंदू मुस्लिम का मामला ना उठाएं, बल्कि कैंडिडेट कौन है हमें देखना कि वो सेकुलर होना चाहिए, जमहूरी आदमी होना चाहिए, उसको हम वोट करेंगे। आपकी ये जो मुहिम है गठबंधन को वोट ना करने की, ये कहाँ तक जाएगी? ये तो लेके यहाँ सहारनपुर से पूरे ऑल इंडिया पहुंचाएंगे, हम कोशिश करेंगे जगह जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में हम इसको पहुंचाएंगे कि ऐसा हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, अभी हमारे सदर साहब ने कहा कि मुनाफिक पार्टी है, इसके अंदर बहुत सारा निफाक पाया जाता है, इसलिए हम लोग इससे बदजन है, हम नहीं चाहते कि गठबंधन को वोट किया जाए। फिर गठबंधन में मोमडन जैसे ओवैसी साहब है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब है, इन लोगों क्यों नहीं लिया गया इन्होंने पार्टी के गठबंधन के अंदर, या और कौन सा पार्टी ऐसी ली गई है जो मुसलमानों की पार्टी हो और वो गठबंधन में हो, क्यों नहीं ली गई इन लोगों ने, क्यों हमारी रहबरी नहीं देखी गई, बर्दाश्त नहीं कर रहे ना हमारी रहबरी को, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम गठबंधन को वोट नहीं करेंगे, चाहे जिसे करे फिर वोट। गठबंधन को लेकर के आपने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, इतना क्यों? देखिए, जब कोई किसी चीज से नाराज होता है तो वो करता ही है, अपनी नाराजगी जाहिर की है, हमें नाराजगी है, तो इसलिए हम मुर्दाबाद के नारे लगाएं या उसकी मुखालफत के नारे लगाएं या हम उसको मना करें, होगा। अगर गठबंधन को वोट नहीं करेंगे तो क्या, किसे वोट करेंगे? क्या किसी को भी वोट करो, कोई भी वोट हो उसमें क्या है, अवैसी साहब उन्हें वोट करो, बीजेपी को वोट कर लो, किसी और को कर लो, जो अच्छा कैंडिडेट लगता हो कैंडिडेट को देख के वोट करो, कौन कैंडिडेट अच्छा है। तो हमारे साथ और भी हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। आपका जी, मैं इस्लाम राणा, जमीयत हिमायतुल इस्लाम से जो है जिला सेक्रेटरी सहारनपुर, और आज यहाँ पर जो मीडिया कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हम लोगों ने रखी है, हमारे जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कारी अबरार जमाल साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, और हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, और बहुत सारे हमारे मौजूद साथी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम सिर्फ यही पैगाम देना चाहेंगे कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये ठग गठबंधन है, और मैं समझता हूँ ये जो है फिर इन्होंने दोबारा से प्रोपगंडा ये बनाया है कि हम एक गठबंधन करें और फिर इन मुस्लिमों का वोट को जो है बटोरने का काम करें, तो मैं समझता हूँ कि अब मुस्लिम समाज खासतौर से इनके चुंगल में नहीं आने वाला है, वो अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और सही तरीके से ही जो है वो अपने समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। तो ये थे जमीयत हिमायतुल इस्लाम के मेंबर थे, इनका साफ तौर से कहना है के जो मुस्लिम समुदाय है वो इंडिया गठबंधन को वोट ना करे। हालांकि खुलकर ये नहीं बताया कि असल में वोट करेंगे किसे, लेकिन साफ तौर से इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए मना किया है। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।